आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रसमलाई केक का स्पॉन्ज। तो उसके लिए मैंने लिया है हाफ कप मैदा और उसमें डाला है 2 टेबल स्पून ऑफ मिल्क पाउडर और उसके बाद 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान के मैंने साइड में रख दिया है। अब मैंने लिया है दूसरा बाउल, उसमें डाला है 1/2 कप शुगर पाउडर, 1/2 कप दही और उसके बाद 30 ml जो है ऑयल डाला है मैंने। आप चाहे तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब इन तीनों चीज़ों को अच्छे से एकदम मिक्स करेंगे। आपको इसको फेंटना है इतना ज़्यादा कि ये बिल्कुल मिल्क मेड जैसा दिखने लगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून और रस मलाई एसेंस, थोड़ा सा येलो फूड कलर और पिंच ऑफ सॉल्ट। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब जो हमारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स हैं उसका मैं 1/2 क्वांटिटी पहले इसमें डालूँगी और उसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करूँगी। मिक्स होने के बाद जो बचा हुआ 1/2 क्वांटिटी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसको डालूंगी और वापस इसको एकदम स्मूथली जो है मिक्स करना है। एकदम फटाफट आपको फेंटना नहीं है, आराम से मिक्स कीजिए। उसके बाद 20 ml ऑफ वाटर डालिए और इसको अच्छे से वापस से मिक्स कर लीजिए। अब हमारा बैटर रेडी है। अब मैंने पहले से टीन को जो है मैदा से कोटिंग करके रखा है। आप चाहे तो बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम अपने बैटर को जो है ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह की प्लेटिंग कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। अब इसे 2 से 3 बार टैप करेंगे और मैंने अब इसे कुकर में बेक करना है मुझे, तो मैं इस कुकर को 5 मिनट पहले प्री हीट पे मैंने जो है कि गर्म कर लिया है। अब इसमें रख के 30 से 35 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। तो हमारा स्पॉन्ज रेडी हो चुका है। अब इसे हम ठंडा होने देंगे रूम टेम्परेचर पे, 1.5 से 2 घंटे के बाद निकालेंगे। रिमूव करने के बाद हम इसके स्लाइसेस कट करेंगे और हमारा जो है रस मलाई स्पॉन्ज जो है रेडी है। आप आइसिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आइसिंग के लिए रेडी है। आप इस रेसिपी को कीजिए इंजॉय। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट लाइक शेयर करें और इस रसमलाई केक का इस बारिश में लुत्फ़ लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये काफ़ी सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। बिल्कुल इसी तरह से बनाने पर आपका भी केक एकदम सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनेगा।